जय मामिंद वासनी, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा दैनिक राशिफल में आपका स्वागत करता हूं। आप बायोस्कोप न्यूज देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में दैनिक राशिफल के साथ साथ मैं आपको शादी का विवाह चल रहा है तो कुंडली जो मिलान करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये एक विशेष ही बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लड़की की शादी तो हो जाती है, शादी के बाद जो कोई दिक्कत आता है तो वो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कुंडली मिलान का क्या महत्व है, किस प्रकार से मिलाया जाता है, मैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मेष राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मेष राशि वाले जातक, आज आपको धन का नुकसान हो सकता है, काम धंधे की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान होगा। बिजनेस व्यापार आपका बढ़िया नहीं चलेगा, उसमें मंदी का दौर जारी रहेगा, काम धंधे की स्थिति देखकर आपका मन दुखी रहेगा और दुखी रहने के कारण जो है वह आप थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भी फील करेंगे। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आज आप किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे और भाग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा और अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा। आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, भाग के भरोसे बैठेंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। आज आपको अपने दिन को बेहतर करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए जो आपको आर्थिक लाभ प्रदान कर सके। अब मैं वृष राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। वृष राशि वाले जातक, आज का दिन आपका अच्छा है, आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने की शैली की प्रशंसा होगी, पिताजी का साथ मिलेगा, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा और अपने बॉस से भी आपको आज बहुत ज़्यादा अप्रेजल मिल सकता है, वो आपके काम की प्रशंसा करेंगे, काम धाम अच्छा चलेगा और आज आपका बिजनेस व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में भी बहुत अच्छा आज हो सकता है, आज आपका प्रमोशन भी हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में भी आज आपके काम की प्रशंसा होगी, आपका मान सम्मान आपके काम के बदौलत बढ़ने वाला है, समाज में वर्चस्व भी बढ़ेगी, बेरोजगार जो है तो उनको रोजगार भी आज प्राप्त होगा। आप आज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी आज लाभ आपको होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज आपका दिन और अच्छा रहेगा। अब मैं मिथुन राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मिथुन राशि वाले जातक, आज आपको भाग का पूरा पूरा साथ मिलेगा, भाग के दम पर आज आप सफल होंगे और काम धंधे व्यापार रोजगार की स्थिति अच्छी चलेगी, आज आपका सेल बढ़ेगा, बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा, नए नए कस्टमर आएंगे, ठेकेदारी के क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट खत्म होगा जैसे ही दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा, आपका चेक आप इनकैश हो सकते हैं, फिनांस की व्यवस्था जब आप करेंगे तो वह आसानी से हो जाएगा, तो कर सकते हैं। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट के अपॉइंटमेंट भी से भी अच्छा है, पुराने नए इन्वेस्टमेंट भी आज आपको लाभ मिलेगा, तो आज आपका हर दृष्टि से अच्छा है। तो आज आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए अपने काम पर फोकस रखें और अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। अब मैं कर्क राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कर्क राशि जातक, आज आपको बिल्कुल सावधान होकर रहना है, आज आपका लड़ाई झगड़ा का दिन चल रहा है, तबीयत खराब होने का समस्या दिख रहा है, आज अचानक आपका सेहत बिगड़ भी सकता है, पहले से यदि आप डॉक्टर के सलाह में तो बिल्कुल अपने सेहत का ध्यान रखें, डॉक्टर का बात माने, वरना अचानक समस्या बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आज आप यदि लंबी दूरी की यात्रा पर जाते हैं या तो उसको अवॉइड कर दें या आप अपने से सवारी करते हैं माने ड्राइव करते हैं तो उसको भी आज आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आज आपको चोट चपेट एक्सीडेंट होने का योग दिख रहा है। तो आज के दिन आपको बिल्कुल संभल कर रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए और किसी से भी किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वरना समस्या बढ़ जाएगी और आपको उस समस्या में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। आज आपको अमोघ सिंह कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे आप आने वाले समस्या से बच सकते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब मैं बता रहा था शादी में कुंडली जो मिलान करते हैं वह आठ प्रकार से मिलता है और शादी में कुंडली मिलान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये भविष्य में पति पत्नी के बीच में भविष्य में होने वाली घटना के बारे में अभी जानकारी दे सकता है। हालांकि आजकल लड़के नहीं मिलने के कारण प्रतिस्पर्धा का समय, अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं तो लोग कुंडली गलत ढंग से भी
मिलवा के शादी करते हैं, जिसका दुष्परिणाम उनको बहुत जल्दी भोगना भी पड़ सकता है। शादियां 2-4 महीना 6 महीना के टूट रही है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रहा है। तो उसमें पंडितों को बदनाम किया जाता है, लेकिन घर के आदमी को अपना ही गलती रहता है। तो अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे जगह शादी विवाह करते हैं, तो अच्छे पंडित से भी आज को जानकारी लेना चाहिए, ब्रांडेड पंडित से, और पैसा चुका कर लेना चाहिए। आप ऐसे लगे अपने से टाइप करके कुंडली में मिला लिया तो उससे नहीं होगा, वो तो फिर समस्या तो आती है। आप जेली रहे भोग रहे हो, 50 लाख शादी करने के बाद आपकी बच्ची का, करोड़ों शादी करने के बाद बच्ची का समस्या आ जाए, दिक्कत आ जाए, शादी में सुख सुख आने वाले लड़का गलत है, जुआरी शराबी उल्टा पुल्टा काम करने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ होगा। तो फिर अच्छा सा आप कहाँ नहीं दिखवा सकते हैं, जबकि ये वैज्ञानिक पद्धति है तो वो आपको करना चाहिए। तो अच्छे पंडित से खुजवा के करेंगे तो आपकी लड़की का भविष्य अच्छा रहेगा। लाखों करोड़ों खर्च करने में कुछ नहीं जाता है, अब 5,000-10,000 खर्च करेंगे पंडित को देंगे तो उसमें आप अकड़ने लगता है, तो फिर कैसे होगा। तो फिर तो समस्या जब बाद में आती है तो आप फिर लाखों खर्च करते हैं, ये जाप करवाओ, वो मंत्र जाप करो, ये पूजा करो, वही पूजा करो। तो कहने करते हैं यदि समस्या है तो उसको इलाज आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, और पहले से कीजिए। और गलत कुंडली मिलाकर शादी कभी मत करवाइए। मैं बता रहा हूँ किस तरह से मिलान होता है, तो 8 प्रकार से मिलान होता है, 8 भाग में इसको बांटा गया है। पहला भाग है जिसको बोलते हैं वर्ण कूट, वर्ण, लड़का लड़की का वर्ण क्या है। वर्ण जो है प्रकृति के द्वारा वर्ण का डिसाइड किया जाता है, तो उसमें वर्ण देखेंगे। जैसे कोई कोई जात का है, जैसे समान तौर पर कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई कुछ है, तो लेकिन कुंडली में वो आता है नेचुरली, जो आप क्या है, आपका वर्ण क्या है, उसका मिलना ज़्यादा जरूरी है। सेम वर्ण में होता है तो अच्छा रहता है और शादी बढ़िया टिकता है, बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद है वैश्य गुण, वह वैश्य माने व्यापार धंधा बिजनेस कैसा होगा, उसका आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, उसके बारे में जो है वह दिखाया जाता है, तो वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद तारा, तारा का अर्थ है स्टार, वो ब्रह्मांड से लिया गया है, माने शुक्र। यदि तारा या शुक्र अस्त होता है तो शादी नहीं करते हैं पति पत्नी के बीच में, क्योंकि यदि तारा अस्त है और तारा का मिलान सही से नहीं हो रहा है तो शादी करने पर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, भौतिक सुख का अभाव रहता है, और पति पत्नी के जो पारस्परिक सुख है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो तारा का मिलान करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे शास्त्र धर्म में शादी से पहले बहुत नियम बनाए गए हैं, पाणी ग्रहण संस्कार से पूर्व शादी को पाणी ग्रहण संस्कार बोला जाता है, 16 संस्कार में 1 संस्कार वो भी है। अब ग्रह मैत्री, जो लड़का लड़की का जो शादी हो रहा है, जो उसके ग्रह जो है वो मैत्रीपूर्ण अवस्था में है कि नहीं, वो मित्रता है या शत्रुता है। यदि मित्रता है तो बहुत अच्छा रहेगा, सुख में जीवन व्यतीत होगा, अभाव में भी सुख में रहेगा। और यदि ग्रह शत्रुतापूर्ण है तो सब कुछ रहते हुए भी दुखी रहेगी, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट की स्थिति आ जाएगी। तो ग्रहों का भी पोजिशन मिला के देखना, जो आपस के ग्रह हैं, जो ग्रह मैत्रीपूर्ण में कितना मिलता है, कितना परसेंट गहरे मैत्रीपूर्ण है, कितना नहीं है, वह सब ग्रह मैत्री से। अब जो है यदि ग्रह मैत्रीपूर्ण नहीं होगा तो फिर आपसी के रिलेशन कैसे बढ़िया होंगे, तो ये देखा जाएगा ग्रह मैत्री। उसके बाद होता है योनि कूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाना में, कलयुग है, कलयुग है, इसमें शारीरिक संतुष्टि बहुत ज़्यादा है, जरूरी है लड़का लड़की के बीच में। तो प्रकृति के द्वारा जो शरीर जो मिला है उसका जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इसको योनि कूट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कूट कम भी मिले और यदि गुण, लेकिन योनि कूट मिलना बहुत अभी के टाइम बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर वगैरह, या फिर शादी के बाद किसी लड़का या लड़की के चक्कर में पड़ना,
यह सब समस्या जो यह यूनिकोड से ही डिसाइड होता है जो कैसा रहेगा, लड़का का विचार टेस्ट क्या है, लड़की का क्या है, ये सब इससे अनुभव किया जाता है। तो इसका मिलना बहुत ही जरूरी है, और जी न मिले तो फिर भी संभव है, लेकिन ये नहीं मिलते हैं तो तलाक के नौबत भी आ जाते हैं, अच्छा खासा जिंदगी नरक के समान हो जाता है। और आप समझ सकते हैं इधर उधर की बातें होंगी तो फिर क्या समाज में क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। यूनिकोड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब मैं इसी कार्यक्रम में बाकी चार के बारे में बता दिया हूँ, चार और बताऊंगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंह राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। सिंह राशि वाले जातक, आज आप बिल्कुल सावधान रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आने की स्थिति है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, काम धंधा बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, प्रेम प्रेमिका के बीच में ब्रेकअप भी हो जाएगा, जिनका शादी नहीं हो रहा उसका शादी का रिश्ता भी आ सकता है, यह भी हो सकता है शादी ठीक होने के बाद वो अचानक टूट भी जाए किसी भी कारण से, ऐसा भी दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और लड़ाई झगड़े बहुत अच्छे चलने माने चलेंगे, और व्यापार यदि पार्टनरशिप का है तो उसमें धोखा का योग है, और पार्टनरशिप पर आपको बिजनेस व्यापार करना भी नहीं चाहिए। तो आज का समय, आज का गोचर आपके सपोर्ट में नहीं है, काम धंधे व्यापार रोजगार की स्थिति खराब है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी नुकसान आपका अवश्य होगा। बेरोजगार है तो भी नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी के लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको हनुमान जी का 12 नाम जो है उसका जाप अवश्य करना चाहिए, उससे आपका दिन अच्छा बीत सकता है। अब मैं कन्या राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। कन्या राशि वाले जातक, आज का दिन आपका अच्छा है, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी मुकदमे में आज आपकी जीत होगी, आज आप अपने पराक्रम के दम पे सफलता भी प्राप्त करेंगे, और यदि आप पर पहले से कोई कर्ज होगा वह कर्ज का EMI आप आसानी से दे सकते हैं, या कर्ज पूर्णतः आज आप चुका सकते हैं, आज आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि लड़ाई झगड़े में कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति आती है तो उसमें भी आज आपकी जीत है, आपके फेवर में ही कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो कह सकते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा है, इसलिए आज इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो उसमें लाभ होगा, पुराना और नया इन्वेस्टमेंट से भी आज आपका लाभ होते हुए दिख रहा है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातक, उनको भी आज अच्छे मार्क्स और सफलता प्राप्त होगी। इसको और अच्छा करने के लिए आज आपको गाय को हरा चारा अवश्य देना चाहिए, इससे आपका दिन और भी अच्छा हो सकता है। तुला राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। तुला राशि वाले जातक, आज आपको अपने संतान से संबंधित जो भी समस्या है, संतान से का पढ़ाई लिखाई, रोजगार, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, वह सारा समस्या आज आपको दूर होगा, सारे समस्या में आज आपको लाभ दिखाई देगा, और आज संतान सुख भी आपको अवश्य मिलेगा। जिन दंपति को संतान नहीं हो रहा, हो सकता है आज उनकी मनोकामना पूरा हो जाए और संतान का योग बन जाए। तो आज आपका दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, काम धंधे की स्थिति बहुत अच्छी है, रोजगार बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। सरकारी क्षेत्र में है तो वहाँ भी आज आपके पुराने लंबित प्रमोशन जो है आज हो सकते हैं, तो आज आपका दिन बहुत अच्छा है। प्राइवेट नौकरी में है तो वहाँ प्रमोशन के या इंक्रीमेंट के योग बने हुए हैं। आज ठेकेदारी वाले को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और ठेकेदारी क्षेत्र में भी तरक्की होगी। अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप अवश्य 108 बार करना चाहिए, इससे आपका दिन और बेहतर हो जाएगा। अब मैं वृश्चिक राशि वाले जातक को बताना चाह रहा हूँ। वृश्चिक जाति वाले जातक, आज बिल्कुल सावधान रहना है, किसी भी प्रकार का कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो उससे भारी नुकसान होगा, और आज आप कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करेंगे, खासकर प्रॉपर्टी संबंधित तो उसमें भी आज आपके साथ छल धोखा हो सकता है, और रुपये पैसा का कोई लेन देन नहीं करेंगे तो वहाँ भी नुकसान आपका अवश्य होगा और आपका पैसा डूब जाएगा। और अचानक आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसमें भी आपको धन खर्च हो सकता है, तो आप बिल्कुल सावधान रहें। आज किसी प्रकार का कोई लंद फंद या इधर उधर की बातें में आप बिल्कुल नहीं फंसे, अपने काम पर ध्यान दें। बिजनेस व्यापार रोजगार की स्थिति भी आज अच्छी नहीं है, उसमें भी समस्या आ सकता है। आज आपको अपने दिन को और बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको हनुमान कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए,
और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए जिससे आपका आने वाला संकट टल जाए और आपका दिन अच्छा हो जाए। मैं कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले बता रहा था कुंडली, मैंने शादी से पहले कुंडली का मिलान किस प्रकार से करना चाहिए और क्या क्या चीज होता है। अब मैं आपको योनि कूटक के बारे में बता दिया था। राशि कूट, राशि माने जो जन्म का जो राशि है, राशि से जो संबंधित है उसके बारे में, जो इस राशि का दूसरी राशि वाले जिससे शादी हो रहा है उससे क्या संबंध रहेगा, कोई विरोधाभास राशि या ग्रह तो उसको परेशान नहीं करेगा, संतान प्राप्ति में या कोई चीज में दिक्कत तो नहीं होगा, तो यह राशि जो है यह भी बहुत जरूरी है। ये रिलेशनशिप की डीपनेस का, गहराई के बारे में बताती है, तो ये बहुत जरूरी है। लड़का लड़की में रिलेशन किस प्रकार का रहेगा, गंभीरता कितना है अपने रिलेशन के लेकर, वो सब जो वह राशि कूट से मालूम होता है। राशि कूट का मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद है गण कूट। गण माने तीन प्रकार के गण होते हैं, मनुष्य, राक्षस और देवता। तो गण मिलने बहुत जरूरी होती है, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य गण का अलग स्वभाव होता है, राक्षस गण का अलग स्वभाव होता है, देवता गण का अलग स्वभाव होता है। लेकिन यदि मनुष्य का शादी या देवता का शादी राक्षस से कर दिया जाए तो वो बहुत दिक्कत है, दोनों को गुण नहीं, विचार नहीं मिलेंगे, बात नहीं मिलेंगे, जिस कारण लड़ाई झगड़ा तो तू मैं यह सब ज़्यादा होगा, इसलिए वह बहुत ज़्यादा जरूरी है गण का मिलना। गण जो है वह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो गण का मिलना बहुत ही अनिवार्य भी है और इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और अपना वर्चस्व बनाने और अपना अच्छा करने के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसके बाद है नारी, बहुत ही इसका मिलान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नारी नहीं मिलता है। नारी तीन प्रकार के होते हैं, आदि मध अनंत, आदि मध अनंत। तो नारी मिलने का अर्थ ये हुआ, यदि नारी नहीं मिलता है तो शादी में यदि आप कर लेते हैं तो कोई गंभीर बीमारी होने का संभावना रहता है लड़का चाहे लड़की का। बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका मिलान करना और इसका मिलना भी बहुत उतना ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नारी का, क्योंकि शादी के बाद शरीर स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मान लीजिए आपकी शादी हो गई है और आपने कुंडली बगैर मिलान की हुई शादी हो गया, कुंडली मिलान में यह तो के साथ साथ मांगलिक भी देखा जाता है, जो लड़का लड़की में से कोई मांगलिक है या मंगल से जो मांगलिक है उसका बात कर रहा हूँ, साथ में चंद्र मांगलिक, ये सब देख के शादी करते हैं। तो यदि मांगलिक हो फिर भी शादी नहीं करना चाहिए, दूसरे लड़की का इंतजार करना चाहिए, चंद्र मांगलिक में भी वही स्थिति नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम शादी नहीं किए या कर लिए, हमको मालूम नहीं चल रहा या लव मैरिज था कर लिए, हम इसको नहीं मानते कर लिए, बाद में समस्या आने लगी तब क्या करेंगे, तभी भी आपको योग पंडित के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, अपॉइंट लेंगे और उसका शांति, ग्रह शांति ना माने जो नहीं मिला हुआ जो दोस्त उसका शांति करवाएंगे और अपना जीवन को खुशहाल बनाएंगे। यदि आप भविष्य में बैठे रहेंगे अच्छे होने का तो अच्छा नहीं होगा, समस्या और बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते छुट्टम छुट्टा या तलाक तक की नौबत भी आ जाएगी। इससे बचने के लिए आप अवश्य ही किसी योग ब्राह्मण पंडित से सलाह लेकर, ज्योतिष से सलाह लेकर अपना दोष को हटाना चाहिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धनुराशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। धनुराशि वाले जातक, आज आपका पराक्रम बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा होंगे और आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगी उसके कारण आपका दोस्तों से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो आज आपको बिल्कुल ध्यान देना है, लड़ाई झगड़े की स्थिति है, तो आज आपका दिन अच्छा नहीं है। किसी पर कोई गलत काम नहीं करें, पहले से यदि आप पर लड़ाई झगड़ा है, इल्जाम है, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी है, तो आज आप वारंट भी नहीं कर सकते, अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो आज आप बिल्कुल सावधान है, अपने काम से मतलब रखें, काम देने की स्थिति भी मंदी चलेगी, वो भी बढ़िया नहीं चलेगा, उसमें भी आपको बढ़िया समय का इंतजार करना पड़ेगा। अपने काम धंधों को बेहतर अच्छा करने के लिए आज आपको केसर का तिलक करना चाहिए और ओम ब्रीम बृहस्पति नमो का जाप करना चाहिए।
इससे आपका दिन अच्छा बन सकता है। अब मैं मकर राशि वाले जातक बताना चाहता हूँ। मकर राशि वाले जातक, आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आर्थिक जो भी धन का लाभ मिलेगा, बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, काम धंधे अच्छे चलेंगे और गला से संबंधित, गला के ऊपर से जो भी समस्या है कान नाक आँख का, वह उसमें राहत मिलेगी, ठीक हो जाएगा। और यदि डॉक्टरी इलाज पर खर्च हो रहा होगा वह खर्च भी आज आपसे बंद हो जाएगा और आज आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। बिजनेस व्यापार काम धंधे अच्छे चलेंगे, रोजगार की अच्छी है और आज आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता है उसमें भी आज आपका जीत का अच्छा है, मुकदमा आज आपके फेवर होगा। मेरे कहने पर ही नहीं, जो आप लड़ाई कर रहे पहले की मैं जो चल रही उसके बारे में बता रहा हूँ। अपने स्थिति को और अस्तर बेहतर अवश्य करने के लिए आज आपको दुर्गा कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए, इसका प्रदिन और बेहतर हो सकता है। तो मैं कुंभ राशि को बता रहा हूँ। कुंभ राशि में जब आज आप मानसिक रूप से परेशान करेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वभाव में खिंता आएगी, उदास रहेंगे, कभी खुश हो जाएंगे, तो आज आपका बिहेवियर में लगातार चेंजिंग आएगा, कभी खुशी कभी गम का माहौल बना रहेगा। लड़ाई झगड़े की स्थिति है, परिवार से रिश्ता भी खराब हो सकता है। आज आप किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें भी नुकसान होगा। आज आप इमोशनल रहेंगे, बुद्धि आपका अच्छा से काम नहीं करेगा, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, वह फजूल का समस्या आप मन में पाल लेंगे इसलिए रहेगा, वैसे आप भूल जाएंगे तो लगेगा जो आपका बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो आज आपका दिन उतना अच्छा नहीं है, मिला जुला के अच्छा है। तो आज आपको अपने दिन को और बेहतर करने के लिए हनुमान चालीसा का पांच पाठ करना चाहिए, जिससे आपका दिन और भी बेहतर अच्छा हो सकता है। और राशि वाले आज आप किसी प्रकार इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट से भी आज आपको अवश्य बचना चाहिए, नहीं तो उसमें भी आज आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं मीन राशि वाले जातक को बताना चाहता हूँ। मीन राशि वाले जातक, आज आपका खर्च बढ़ने वाला है, खर्च आज आपका होगा और इस बात का ध्यान रखना है जो खर्च दिखावे में नहीं करना है, वरना बजट आज आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, कर्ज लेने का नंबर आ जा सकता है। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं उसमें भी रुकावटें आएंगी। बिजनेस व्यापार काम धंधे की स्थिति नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं है, बिजनेस में आज नुकसान भी हो सकता है, बहुत अच्छा स्थिति नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए आप मन को बिल्कुल काबू में रखें, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करें और अपने आप को सफलता प्राप्त करने के लिए आज आपको ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, इससे आपका दिन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और आने वाली समस्या टल जाएगी। आप इसको प्लीज देख रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। जय मां विंध्यवासिनी, धन्यवाद।